नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। गुजरात विधानसभा का महासंग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे शाम को SSP वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की एक जनसभा, और इस जनसभा में क्या चलेगा मोदी का मैजिक, और गुजरात में बनेगी फिर से भाजपा की सरकार या फिर दिल्ली की मॉडल यानी कि केजरीवाल का जो है कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल भी कहीं 12 सीटों पर जो है अपना राज कर सकती है, यानी कि बड़े पैमाने पर सीट ला सकती है। इस तरह का संदेह जो है देखा जा रहा है। सबसे बड़ा महत्व जो है इस बार सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर नज़र है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो है भारत के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का सूरत शाम को आगमन है और उनकी तैयारियां पूरी जोर शोर में कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जब शाम को इनकी जनसभा का जब ऐलान होगा, जब नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे सूरत शहर के कतारगाम इलाके में यानी कि अब्रामा में जहां पर जनसभा होनी है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन क्या इस जनसभा में जनता का क्या राय होगा, क्या उनका मूड जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर विजयी होगी या नहीं होगी, ये 1 तारीख को जनता तय करेगी। लेकिन भारत के SSV वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का आज जनसैलाब जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संबोधित करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर 2022 का चुनाव जो है विधानसभा में 182 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कहीं ना कहीं 100 से 120 सीट के आसपास लाने की जो है उम्मीद जो जताई जा रही है, उस पर कितना जो है भारतीय जनता पार्टी उतरेगी ये जो है कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो है कहीं ना कहीं दिल्ली का जो मॉडल है केजरीवाल का, वो भी गुजरात में इस बार एंट्री कर चुका है। क्या केजरीवाल जो है उनके जो फ्री बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो ये उनका एक दिल्ली मॉडल गुजरात में जो लाया है, जो लोगों के बीच में रखा है, क्या इस बार जो है दावा पब्लिक जो है क्या झाड़ू को कहीं ना कहीं इस बार बटन दबाने के लिए कुछ उनके विचार बदल सकती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, यह आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। गुजरात के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी महीने दो महीने पहले गांधीनगर के अंदर एक गजब का नज़ारा देखा गया, जब हजारों हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नज़ारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था, और उनकी एक ही डिमांड थी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को बोल कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी गई है पंजाब के अंदर, हमारी सरकार बनती और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर। गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, पुलिस के बहुत सारे साथी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, VC हैं बहुत सारे, ग्राम रक्षक हैं, होमगार्ड हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तलाटी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनके कई सारे मुद्दे हैं।
इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ग्रेड पे की डिमांड है, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कच्चा कर्मचारी है, उनको पक्का करने की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। इनमें से बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत है। इनमें बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से अपने घर के इस पास, इन सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू करेंगे, आपके हर एक तबके के जो जो मुद्दे हैं हम आपके सारे मुद्दे समाधान करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे कर्मचारी दुखी रहेंगे। सारे कर्मचारियों की सारी समस्याएं ठीक करेंगे। डिजिटल मीडिया ना साथी मित्रों को खूब खूब स्वागत छो। आ प्रेस कॉन्फरेंस में आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली ना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ है, हूँ सबन स्वागत करूँ छू। दोस्तों, गुजरात में जी रीते आम आदमी पार्टी खूबज मजबूती थी चूंटनी प्रचार कर रही है और लोगना दिल सुधी आम आदमी पार्टी विचारों ने अरविंद केजरीवाल जी कार्यों पहुँचाड़ी रही है, एना कारण जनता जबरदस्त प्रतिसाद एक एक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने मिली रो। आम आदमी पार्टी ने जो प्रतिसाद मिली रो एना कारण भाजप आखी पार्टी की अंदर एक डर माहौल फैलाई गयो है। जी रीते आम आदमी पार्टी चूंटनी जीतवा तरफ सतत आग रही है, जोता बोखलाई गये भाजपा लोग द्वारा आखा गुजरात में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी कार्यक्रमों की अंदर हिंसा, तोड़फोड़, मरामारी, छुराबाजी, पत्थरमारों आई घटनाओं चालू करी है। 27 वर्ष सुधी जनताए जो विश्वास आप मतना स्वरूप में एना बदला में काम करू होत तो आज आ पत्थरमारा के छराबाजी की घटनाओं न करनी पड़ी होत। गई काले सूरत में लिंबायत की अंदर आम आदमी पार्टी कार्यक्रम दरमियान भाजपा के खुलेआम छुराबाजी करी अने एक अमरा कार्यकर ने बहु गंभीरता छरी मारी घायल कर। गई काले मोरबी अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं एक अमरा उम्मेदवार पर गाड़ी चढ़ावी देवा कार थी अमने कचड़ी मरवा सीसीटीवी फूटेज पर घसी आई कार पर चढ़ावी देवा कोशिश करी। અને ગઈકાલે મારી જનસભામાં ભાજપનો ખેસ પહેરેલા બે લોકો બાઇક ઉપર આવી અને પથરાઓ ફેંકી પથ્થરમારાની ઘટના કરી એક નાના બાળકને ઈજા કરવાની કોશિશ કરી। નાના બાળકનું માથું ફૂટી ગયું, એને દવાખાને લઈ ગયો। મારે ભાજપના મિત્રોને વિનંતી કરવી છે કે તમારી રાજકીય લડાઈ અમારી સાથે છે, આમ આદમીઓ સાથે છે, બાળકો સાથે નથી, ગુજરાતના લોકો સાથે નથી। તમે પથ્થરમારા કરો છો, તમે છરાબાજી કરો છો, ગાડીઓ ચડાવી કચડી મારવાની કોશિશ કરો છો। गुजरात में आ प्रकार की हिंसा ने क्यारे जग्या रही नहीं। चूंटनी लड़ो, तमे तमारी वात मूको, तमे करेला काम मूको, आवनारा वर्षों एजेंडा मूको, परंतु पत्थरमारो करीने, जनसभाओं की अंदर छराबाजी करीने, लोकोने इजा करीने, हिंसा करीने चूंटनी जीतवानी जे कोशिश करो छो ए बिल्कुल योग्य नहीं। आवी घटनाओ गुजरातना लोको क्यारे साखी नहीं ले। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा जई रही छे त्यारे डरना मारा बोखलाई जईने आ प्रकार की निम्न कक्षा की हरकतों भाजप जो करे छे नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल आपको याद है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो है आज सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया है कि गुजरात में इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने एक पेपर पे लिखकर पत्रकार परिषद में उन्होंने जवाब दिया है। अब 1 तारीख को गुजरात में और 5 तारीख को, 2 तारीख को जो है कहीं ना कहीं चुनाव होना है और 8 तारीख को जब ये रिजल्ट बाहर आएगा तब ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार गुजरात में बनने वाली है। लेकिन दावा जो है वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, तीनों जो है गुजरात में सरकार बनाने का दावा करती है। लेकिन सच क्या है ये 8 तारीख को जनता के सामने जब आएगा तो सब एक चौंकाने वाला एक रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन अब गुजरात की जनता जो है वो शायद बदलाव चाहती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं जो गुजरात में, उन्होंने गुजरात मॉडल, जो दिल्ली का मॉडल गुजरात में लाया है,
कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर जो है गुजरात की जनता का जो है कहीं ना कहीं वोट एक तरफा वोट जो हो सकता है, यही वजह है कि शायद केजरीवाल को ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गुजरात की जनता जो है ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है। लेकिन बदलाव ज़रूरी है, उसके पीछे ये नहीं हो सकता कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनती है या नहीं। ये 8 तारीख को जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन केजरीवाल का जो सपना है और जो उन्होंने पत्रकार परिषद में दावा किया है, उसका सच क्या होगा, ये 8 दिसंबर को जब सामने आएगा तब ये साफ हो पाएगा। लेकिन देखना होगा कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाले दोनों जो है जब मत जो है वोटर जो है देने जाएगा तब किस पर बटन दबाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि 27 साल की बीजेपी की सरकार को इस बार कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो है बदलने जा रही है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।